जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन एआरवी खत्म हो गई है। प्रबंधन ने इसकी नोटिस चस्पा कर दी है। मंगलवार को बिना इंजेक्शन लगवाए मरीजों को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें, जिला अस्पताल में प्रतिदिन 150 से 200 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें एआरवी लगाया जाता है। ऐसे में वैक्सीन के खत्म हो जाने से मरीजों के सामने संकट खड़ा हो गया है। सीएससी पीएससी में भी ज्यादातर में एआरवी खत्म है। दूर दराज के गाँव से भी मरीज यहाँ इस उम्मीद से आते हैं कि इंजेक्शन लग जाएगा। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, लेकिन नोटिस देखकर निराश हुए। प्रबंधन यह बता भी नहीं पा रहा है कि कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को भी मांग भेजी गई है। उम्मीद है कि शीघ्र ही वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, हाँ, एआरबी की पाइपलाइन में ही जहाँ से बनती है वहीं से हमेशा शॉर्टेज रहती है, लेकिन फिर भी हम अपने गोरखपुर जिला चिकित्सालय को एआरबी वैक्सीन से पूर्ण रखते हैं। आज वैक्सीन समाप्त होगी, शाम तक वैक्सीन आ जाएगी। इस संबंध में मुझे कॉर्पोरेशन में कार्यरत वहाँ के अधिकारी से ही बात हुई है और हमने लगभग बताया है कि 2019 में 8051 वायल की ज़रूरत पड़ी थी और इधर अगस्त सितंबर अक्टूबर का हम खपत देखें तो 483 463, नियर अबाउट 475 510 वायल ऊपर और नीचे हर महीने का खर्चा है। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लखनऊ भी बात कॉर्पोरेशन से कर लिया है कि गोरखपुर हमारे माननीय योगी जी का कर्मस्थली रही है, उनका क्षेत्र है, कहीं बफर से इंतजाम करके यहाँ पर आपूर्ति सुचारू रूप से रखी जाए और बाधित न हो। और वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि वहाँ बाधित न हो। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक वैक्सीन उपलब्ध होगी? वैक्सीन के लिए आदमी जा रहा है, शाम तक आ जाएगा या कल कोरियर से आ जाएगा, आदमी भेज रहा है।